हाय एवरीवन सो क्या आप मेरी तरह ही एक फ्रेगरेंस लवर हो एंड महंगे महंगे परफ्यूमों को ट्राई करने का शौक रखते हो बट बजट की वजह से हर बार मार खा जाते हो सो so, आप एकदम सही जगह हो इस वीडियो को आखिरी तक देखना सो हाय एवरीवन मैं हूँ एफबीएल एंड आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में फिरगिस्तान के एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड सो आज बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में वो है डी सो डी कैंट्स के बारे में बात करने से पहले जानते हैं डी कैंट्स होता क्या है डी कैंट्स के क्या फ़ायदे हैं एंड साथ ही साथ इसी वीडियो में मैं आपको लाइव डी कैंट करके दिखाने जा रहा हूँ कि डी कैंट कैसे करते हैं सो so, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं डी कैंट फ्रेग्रेंस डी कैंट्स होती क्या हैं सो डी कैंट्स कुछ भी नहीं होती हैं वो एक छोटी बॉटल्स होती हैं जैसे ये टेनमिल की बॉटल है पाई एम की बॉटल्स है ऐसी छोटी छोटी ग्लास नहीं तो प्लास्टिक की बॉटल्स आती हैं जिनमें स्प्रेयर लगा रहता है छोटा सा ये मिनिएचर बॉटल्स होती हैं एम होती हैं बहुत ईजीली अवेलेबल होती हैं मार्केट्स में एंड इनमें रियल फ्रेगरेंसेजों को ट्रांसफ़र किया जाता है तो शॉर्ट में डी कैंड्स जस्ट एक एम टी बॉटल में एक रियल फ्रेगरेंस को ट्रांसफ़र किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट एम में डिफरेंट डिफरेंट क्वान्टिटीज़ में डी कैंट्स लेने के क्या फ़ायदे हैं सबसे पहले तो जिस ज़माने में मैंने अपनी फ्रेगरेंस जर्नी स्टार्ट करी थी उस जमाने में भी डी होते थे बट अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम थी आजकल के ज़माने में हाइप्स चलती हैं इंटरनेट पर सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा फ्रेगरेंसेज आर ऑलवेज सब्जेक्टिव बट इंटरनेट पर हम लोग फ्रेगरेंसेज के बारे में समझ सकते हैं फ्रेगरेंस कितनी अच्छी है ये तो लोग ज़रूर बताते हैं बट हम लोग कभी भी फ्रेगरेंस को समझ नहीं पाते उसको स्मेल नहीं कर पाते हैं डिसीज़न नहीं लेते हैं हम लोग सीधे सामने वाला जो वीडियो बनाता है जो उस फ्रेगरेंस के बारे में बोलता है

मालूम हुआ एंड डी कैंट्स के बहुत फ़ायदे होते हैं सबसे पहले तो ये कि आप ब्लाइंड बाई से बच जाते हैं आपके पैसे वेस्ट होने से बच जाते हैं आप जैसे मुझे एक रसासी हवस का बहुत ज़्यादा हाइप इंटरनेट पे चल रहा है कोई भी एक फ्रेगरेंस का बहुत ज़्यादा हाइप चल रहा है आपको फ्रेगरेंस पसंद है उस फ्रेगरेंस का प्राइस तीन है चार है मेरी ही बहुत से सब्सक्राइबर्स लोग ब्लाइंड बाई करने चले जाते हैं फ्रेगरेंसेजों को तीन तीन चार चार हज़ार की लेटर ऑन दे मे गेट दे मे रिग्रेट बाइंग दोज़ फ्रेगरेंसेज अगर उनको पसंद नहीं आए क्योंकि चॉइसज आर ऑलवेज अब्जेक्टिव ज़रूरी नहीं है कि जो फ्रेगरेंस मेरे को या आपकी रिव्यूअर को पसंद आ रही है वो आपको भी आए सो बेटर है कि अगर आप महंगे फ्रेगरेंस की बॉटल ख़रीद के खरीद रहे हो आपको फ्रेगरेंस नहीं पसंद आए लेटर ऑन ओ पैसे वेस्ट हो जा रहे हैं उससे बेटर है आप उसके डी कैंड्स ले लो डी कैंट्स कहीं से भी नहीं लो उसकी बात आगे करेंगे डी कैंट्स लेना सबसे बेहतर चीज़ है दूसरी चीज़ डी कैंट्स के फायदे हैं जैसे कोई फ्रेग्रेंस आप मॉल में गए या आपने कभी कोई ऐसी फ्रेगरेंस ट्राई करी है जो आपके आउट ऑफ बजट है मोस्टली मेरे साथ ऐसा होता है एंड मुझे डी कैंट्स इसलिए पसंद हैं बहुत सी ऐसी फ्रेगरेंसेज हैं जो टू बी ऑनेस्ट मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सो uh, so, मैं क्या कर सकता हूँ मुझे वो फ्रेग्रेंसेज भी चाहिए मैं मैं उसको इंजॉय करना चाहता हूँ तो दस हज़ार आठ हज़ार नौ हज़ार पाँच हज़ार तीन हज़ार की फ्रेग्रेंसेस खरीदने नहीं खरीद सकता हूं तो उससे बेटर मैं एक डी कैंट ले सकता हूं बेहतर है कि महंगे पैसे खर्च करके रिग्रेट करने से अच्छा आप एक बार में डी कैंट ले लो उसको एक मंथ ट्राई करो दो मंथ ट्राई करो हजारों हजार वेस्ट होने से अच्छा सौ दो सौ चार सौ पांच सौ रुपए ही वेस्ट होंगे ना सो इससे प्लस पॉइंट क्या हो सकता है सो डी कैंट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं एंड आज भी बहुत सी ऐसी फ्रेगरेंसेज हैं जो मेरी फेवरेट है बट मैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ एंड बिना किसी शर्म के मैं कहूँगा मेरे पास मोर देन टेन टेन फिफ्टीन डी कैंट्स हैं बड़ी बड़ी फ्रेगरेंसेज़ के जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ बट मुझे पसंद है मैं उनको ओकेजनली यूज़ करना चाहता हूँ शादी में कहीं मैं गया सो so, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बेटर आप अपनी फ्र, फेवरेट फ्रेग्रेंसेज का डी ले लो एंड अब सबसे एक्साइटिंग पार्ट पे चलते हैं वीडियो के वो है लाइव डी सो so, हमारी एक सब्सक्राइबर ने मेरे से कुछ डी लिए थे uh, मैंने डी तो कर दिए हैं सारे एक डी मैंने नहीं किया था सिर्फ और सिर्फ कि मैं अपनी पब्लिक अपनी फा, फ्रेगरेंस फैमिली को दिखा सकूँ कि डी होता कैसा है सो so, अब हम लोग जा रहे हैं लाइव डी करने के लिए सो डी कैंट में कुछ नहीं होता है डी कैंट में सबसे पहले हम लोग कोई भी फ्रेग्रेंस लेते हैं तो आज मैं जिस फ्रेग्रेंस को डी कैंट करने जा रहा हूँ रसासी की हवस ये रसासी की हवस निकाला यहाँ पे स्प्रेयर का कैप होता है ये बहुत ईजिली बाहर आ जाता है आराम से एंड इस स्प्रेयर में हम लोग सरिंज की मदद से फ्रेगरेंस को खींच के डी कैंट बॉटल में ट्रांसफ़र करते हैं बट एक चीज़ हाँ आप नॉर्मल सिरिंज ले कर आओगे तो वो सिरिंज का नोज़ल इस नोज़ल से कभी भी फिट नहीं करेगा सो so, आप ऑलवेज़ ट्राई करो सीज़र नहीं तो नाइफ को ज़रा गैस पे गरम करके आप इसकी नोब में ज़रा डाल के इसको ऐसे ऐसे घुमा दोगे तो ये साइज़ में ज़रा बड़ा हो जाएगा सो so, चलिए करते हैं फ्रेग्रेंस डी कैंट वो भी लाइफ सो so, मैंने ले लिया डी कैंट बॉटल इसको मैंने ओपन कर लिया ये फाइव एम एल का डी कैंट बॉटल है एंड मैं रिकेंट करने जा रहा हूँ रसासी का हवस ये निकाल लिया मैंने नोज़ल ये सरेंज बेटर है कि आप एक सरेंज को डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगरेंसेज के लिए न, कभी यूज़ नहीं करिए ये सरेंज मैंने सिर्फ़ और सिर्फ रसासी हवस के लिए ही रखी हुई है मैं डिकैंट करता हूँ तो सिर्फ हवस करता हूँ इससे दूसरी फ्रेगरेंसेज के लिए दूसरी सरेंज रखी हुई है नोज़ थोड़ा मैंने इसको ज़रा चाकू की मदद से सीजर की मदद से ज़्यादा ज़रा ब्रॉड कर दिया था कि इसमें फ़िट हो सके इसको ऐसे करते हैं यहाँ पे आपको एम लिखा दिख दिखेगा एक सेकेंड यहाँ पे आपको एम दिखेंगे इससे आपको ईज़ली मालूम चलेगा कि आपको कितना एम निकालना है आप जैसे परफ्यूम को स्प्रे करने के लिए नीचे पुश करते हो आप इसको नीचे पुश करो एंड सरिज की मदद से जैसे हल्का हल्का प्रेशर दो ये देखिए जूस बाहर आने लगा है ऐसे ही करते करते फाइव एम से ज़रा ज़्यादा ओके okay. सो so, ये हमने फाइव एम ले लिया है अपना सिरिंज में एंड नाउ ये डी बोतल बॉटल रही फाइ एम इसमें ट्रांसफ़र कर दिया सो so, डी करना कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है एक बहुत इजी प्रोसेस है सो so, इस तरीके से कुछ हम लोग डी करते हैं फ्रेग्रेंसेज एंड बस रेडी है सो so, ये था एक छोटा एक्सपीरियंस आपका डी करने का मेरा सो so, ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस था डी करने का कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको डी का प्रोसेस कैसा लगा एंड आप भी अगर कोई फ्रेग्रेंस का डी लेना चाहते हो बेझिझक आप मेरी इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके मेरे को डीएम कर सकते हो आप जिस फ्रेग्रेंस को खोज रहे हो डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको उस फ्रेग्रेंस को दिला सकूँ अच्छे रेट्स पर दिला सकूँ एंड जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा अपने पैसों की कदर करिए कभी भी ब्लाइंड बाई मत करिए कभी भी आ, फिजूल खर्ची नहीं करिए कि रिव्यू देख करे, करे लिए पम्प अप हो गए एंड बिना ट्राई करिए फ्रेगरेंस करी ली चार हज़ार पाँच हज़ार की ऑलवेज ट्राई डी डी नहीं ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट करना है तो एटलीस्ट दो एम एल पाँच एम एल का डी ट्राई कर लीजिए बिफोर बाइंग दैट फ्रेग्रेंस वो पाँच एम एल दस एम भी आपको महीनों चलेगा एंड इससे आप इजीली डिसाइड कर सकोगे कि आपको फ्रेग्रेंस लेनी है या नहीं लेनी है एंड जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा रसासी हवस का बहुत कमेंट्स आया था कि परफॉर्म नहीं करता है ये सबसे लेटेस्ट बैच है एंड ये परफॉर्म करता है ऐसा क्यों हो रहा है कि आपका रसासी हवस परफॉर्म नहीं कर रहा है आपके ऊपर आपको स्मेल नहीं आ रही है इस पर एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जस्ट इसके बाद बने रहिए फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन चैनल को बटन को ऑन कर लीजिए आपके गिव अवे प्राइजेज निकल चुके हैं एंड जल्दी फिर से एक और गिव अवे आने वाला है एंड हाँ गिव अवे प्राइजेज़ मिल जाए तो ज़रूर एक बार मेरे चैनल को आ, अपनी स्टोरी या शेयर ज़रूर करिएगा एक्सपीरियंस कि आपको कैसा लगा डी कैंट सो दैट्स इट फॉर टुडे मिलते हैं एक और नई वीडियो में तब तक के लिए ख्याल रखिए जय हिंद बाय बाय